दुर्गा पूजा के उत्सवी माहौल के बीच गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे कंकाली मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई। कार पर सवार 4 हथियारबंद अपराधी शहर के दरभंगा राज परिसर स्थित कंकाली मंदिर में घुसे और प्रधान पुजारी राजीव कुमार झा को गोली मार दी। पूजा करने आए एक व्यक्ति को भी गोली मार कर जख्मी कर दिया गया। फायरिंग कर भाग रहे 4 अपराधियों में से एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, साथ ही 2 को जख्मी कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी बाबूराम मंदिर परिसर में पहुंचे और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। एसएसपी ने इस घटना में 2 की मौत एवं 3 के घायल होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल भक्त को पारस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और दोनों अपराधियों को डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। मरने वाले और जख्मी अपराधियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। उमर देखियो ना छोड़ू नहीं मर उमर देखियो ना जी 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 घटना जैसे हमें पता चला है, जैसे कि 4 बजे के आसपास यहाँ पे आकर के गोली बारूद यहाँ पे हुई है और अंटू पंडित जी यहाँ पे राजीव झा को गोली से मार करके हत्या कर दी गई थी। और मुझे इनके भतीजे ने जाके मेरे को बताया, पड़ोसी में इनका, उन्होंने बताया कि ऐसी बातें ये घटना हुई, आपको वैल्यू लेकर के मेरी गाड़ी लेकर के आपको चलना होगा। मैंने पारस हॉस्पिटल गया और उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि ये डेथ हो चुकी है, तो मैं वापस उनको लेकर के रहने मंदिर आ गया। क्या बोले डॉक्टर, कितनी गोली लगी है? डॉक्टर ने बताया 3-4 गोली लगी है, अब इनकी सांस नहीं चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम एक अज्ञात व्यक्ति का पुजारी के भतीजे से मोबाइल को लेकर के कुछ विवाद हुआ था। उनका कहना है कि शराबबंदी के बाद मंदिर के आसपास के इलाके में शाम में नशेड़ियों का जमावड़ा लगने लगता है। उन्हीं में से एक शख्स ने कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा, जो पुजारी के भतीजे ने नहीं दिया। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान पुजारी राजीव झा भी बीच बचाव में आ गए। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट के दौरान उस व्यक्ति के सिर पर चोट लग गई थी। लोगों का कहना है कि उसी व्यक्ति के साथ गुरुवार की अहले सुबह आए 3 अन्य लोगों ने मंदिर परिसर में सो रहे पुजारी को गोली मार दी है।